नीतीश जी से नहीं, थोड़ा सा ये बात यहाँ से चली है कि अतुल ने कहा कि जैसे हम श्री कृष्ण के बारे में और उनके चरित्र के बारे में हम सोचते हैं तो नीतीश भारद्वाज हमारे सामने आते। हालांकि महाभारत के बाद के एपिसोड्स में नीतीश जी सीरियल छोड़कर चले गए थे और हम लोगों के लिए वो शॉकिंग था कि ऐसा क्यों हुआ था, और हम लोग दूसरे को श्री कृष्ण के रूप में स्वीकार करने की पोजिशन में नहीं थे। लेकिन ये ठीक ऐसे ही है नीतीश जी, जैसे मुगले आजम फिल्म आई और अभी फिरोज खान ने एक नाटक किया उसको, तो दोस्तों मुगले आजम बहुत बड़ा नाटक था, दीपक ने शायद देखा था वहाँ दिल्ली जाकर, जिसमें आप पृथ्वीराज कपूर को ही अकबर के रूप में देखते हैं या दिलीप कुमार को आप देखते हैं जहांगीर के रूप में या सलीम के रूप में, अनारकली और ये सब। तो उसने एक एक फैंटेसी को जो कि हिस्ट्री नहीं है उसको उसने एस्टैब्लिश कर दिया था। तो उस तरह से आपको ये कैरेक्टर जब पहली बार ऑफर किया गया तो आपको क्या क्या संदेह थे मन में, क्योंकि दिल्ली का एक आदमी ऑफर कर रहा था जिसकी थिएटर में कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग और नाम नहीं था उस समय तक। तो और दूसरा सवाल कि कैसा अनुभव किया आपने, अब तो 73 वर्ष होने जा रहा है। नीतीश जी, एक मैसेज आया अतुल का कि मैं ऐसा ऐसा हूँ, रंगकर्मी हूँ, नाटक लिखता हूँ और एक नाटक लिखा है अर्जुन का बेटा जिसको मैं चक्रव्यूह नाम से रीलॉन्च करना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है कि आप इसमें कृष्ण का रोल करें। तो मैंने सोचा पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि एक कलाकार के लिए जितना नया नया आप पढ़ते रहेंगे, कहाँ पर कौन सा टैलेंट है आपको नहीं पता, इस दुनिया में बहुत टैलेंट है। तो जिस तरह से इन्होंने लिखा था, एक उनकी कमिटमेंट थिएटर के प्रति उसमें से झलक रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि मूलतः मैं मराठी रंगमंच से आया, ट्रेन भी हुआ एक निर्देशक के रूप में, तो मराठी रंगमंच में ट्रेन हुआ, वहाँ से फिर मैं हिंदी थिएटर से जुड़ा था दिनेश ठाकुर जी के साथ। तो मैंने इनसे कहा कि मुझे आप, ये मेरा ईमेल आईडी है, आप मुझे अपनी जो प्रति है उसको भेज दीजिए, मैं उसको पढ़ता हूँ। तो पढ़ने पर सबसे पहले जो मुझे बात अच्छी लगी वो ये कि जो एक काव्यात्मक ढंग से ये लिखते हैं वो बहुत अच्छा लगा। एक अरसा हो गया है मराठी थिएटर में उस तरह के नाटक लिखे नहीं गए हैं ओरिजिनल, और जब मैं मराठी थिएटर करता था तब ऐसा काव्यात्मक नाटक खेलने का मेरे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई थी। हिंदी थिएटर कर रहा था तो दिनेश जी के साथ भी ऐसा कोई उन्होंने नाटक नहीं लिखा था, तो ये एक अपरिचित जॉनर था मेरे लिए नाटक का। और मैं कविता में बहुत बुरा हूँ, मैं भाई साहब से कहना चाहता हूँ, वो पता नहीं ये लोग कैसे एक तो कविताएं लिखते भी हैं और याद भी कर लेते हैं, और एक एक अलग प्रतिभा है वो। किसी की और की भी कविता पढ़ लेना एक बार और उसको धड़ाधड़ बोल देना ऐसे याद करके, ये एक अलग प्रतिभा है, वो मुझ में नहीं है। मैं कविता के मामले में बहुत बहुत ही मतलब शून्य के बराबर हूँ। मैंने सोचा ये एक चुनौती होगी मेरे लिए। कलाकार को हमेशा स्वयं को चुनौतियाँ देना ये आवश्यक होता है, तभी अपने भीतर कलाकार के भीतर एक समुद्र मंथन हो सकता है और कुछ नया रत्न यदि हो सके तो निकल सकने की संभावना रहती है। तो मैंने इसको एक चुनौती मानकर उसको पढ़ा, लेकिन उसमें मुझे संभावनाएं दिखीं। कुछ चीज़ों से मैं, जैसा अतुल जी ने कहा, मैं सहमत नहीं था। कुछ चीज़ें मुझे लगीं कि इसमें एक सीड है, एक बीज है जिसको और यदि उसको और हवा दी जाए तो उसका एक बहुत अच्छा पौधा बन सकता है। तो ऐसे एंगल्स थे, तो मैंने इनसे लिखा और फिर से फिर हमने बात की और फिर ये मुंबई आए। और जो जिस तरह से हमारी चर्चा हुई, मेरे ख्याल से हम लोगों ने सोचा था घंटा भर बात करेंगे, लेकिन 3 से 4 घंटे की वो चर्चा चली और मुझे अच्छा लगा। एक तो कलाकार को और लेखक को, सर्वप्रथम लेखक को, क्योंकि मैं भी एक लेखक हूँ, मैं अपना स्क्रीन प्ले लिखता हूँ फिल्मों का, हमेशा
जो नए विचार आते हैं या सुझाव आते हैं उनके लिए ओपन रहना चाहिए। 10 आए उसमें से हो सकता है आप 9 से असहमत हों, लेकिन दिमाग खुला रहना चाहिए। वो अतुल जी का है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक आध दो विचार को छोड़ के जिस पर उनका एक अपना जस्टिफिकेशन था, उनके एक दृष्टिकोण था उनका, उस पर भी हमारी चर्चा हुई। और अधिकतर सारे जो हैं मेरे पॉइंट्स उनको अच्छे लगे। और फिर उस नाटक को दो बार, एक बार नहीं दो बार उसको रीराइट किया उन्होंने, और हर रीराइटिंग में वो अच्छा ही होता गया। और तब पढ़ने में ही लगता था कि वाह कोई नई बात निकल कर आ रही है जो आज के समाज के लिए प्रासंगिक है। मेरा ये भी हमेशा से मानना रहा है कि इतिहास हमेशा अपने को भविष्य की दिशा निर्धारित करता है हमारे, यदि हम इतिहास से सही सीख लेना सीख जाएं। मैं जब शूटिंग करता था महाभारत की, तो सारे लोग मेरे अगल बगल में सारे धनुर्धर हुआ करते थे, सारे बाण चलाते थे। तो एक दिन मैंने ऐसे ही देखा, ऐसे सोचता रहा, मेरा शॉट नहीं था, किसी का चल रहा था। मैंने कहा इस क्रिया के पीछे क्या अर्थ हो सकता है, तो मुझे उसमें इतिहास दिखाई दिया। हम प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाते हैं और उसे पीछे ले जाते हैं, वो पीछे ले जाना ही इतिहास की ओर जाना होता है, या हमने जो शिक्षा ली है, प्राप्त की है गुरुओं से, वो है उसको फिर हम आंखें मूंद कर उसमें से क्या प्रासंगिक है, उसमें से क्या चाहते हैं हम, उसी पर ध्यान केंद्रित करना है, ताकि वो बाण अपने उद्देश्य की ओर जाए। और फिर हम आंखें मूंद कर उसका ध्यान लगाते हैं और प्रत्यंचा को छोड़ते हैं। तो यदि हमने इतिहास से सही सीख लेना सीख लिया, तो हमारी भविष्य की दिशा गलत नहीं होगी। तो मेरे लिए महाभारत इतिहास है, मिथक नहीं है रामायण महाभारत। और उससे सीख लेकर आज के समाज के लिए जो प्रासंगिक है वो हमने डिस्कस करके इसमें से निखारने की और उभारने की कोशिश की है। और वो मुझे इतना बेहद पसंद आया और मैंने कहा मैं करूँगा। और काव्यात्मक था, एक मेरे लिए चुनौती थी, तो उस चुनौती को मैंने स्वीकार किया। आपको कैसा फील हुआ जब आप महाभारत में कृष्ण बने थे और इस स्टेज पर कृष्ण बने? तो एक दूसरा मीडियम है, ये एक दूसरा मीडियम है, तो दोनों में आपको, क्योंकि महाभारत में और टेलीविज़न के पर्दे पर आप ऑडियंस को देख नहीं रहे होते हैं, वो एक अलग तरह का मंच है और ये एक अलग तरह का है, तो कृष्ण का की भूमिका निभाते हुए दोनों में क्या फ़र्क महसूस हुआ आपको? जो मूलतः जो दो माध्यमों का फ़र्क है, जो अंतर है, यहाँ पर आप भले दिलीप कुमार हो, अमिताभ बच्चन हो, कोई भी हो, आप फिसल सकते हैं, आपसे गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पर टेक टू नहीं होता। एक तो दूसरा, यहाँ एडिटिंग नहीं होती। आपके साथ में जितने कलाकार हैं, हम कई बार फिल्मों में देखते हैं कि जो मेन स्टार्स हैं उनके साथ के कलाकार अधिक अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो वो सीन ही कट जाता है। क्या बात कही आपने, ये हमें पता है। जी 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 जी, वो यहाँ पर नहीं होता। और मेरे सामने, मेरे साथ में जितने कलाकार हैं वो प्रोफेशनल लेवल के हैं, लेकिन प्रोफेशनली थिएटर नहीं कर रहे। मतलब अब तो थिएटर प्रोफेशनल हो गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि FTS के सारे प्लेस प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिर भी वो एमेच्योर लेवल पे कर रहे हैं, अपना व्यवसाय संभालते हुए, अपना काम धाम संभालते हुए कर रहे हैं। उस तरह से नहीं कर रहे हैं कि बॉम्बे में जाके फिर केवल करियर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा अंतर इसमें समझता हूँ। वैसे वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल के मेरे सारे कलाकार हैं, तो ये हमेशा डर लगा रहता है कि किसी सीन में वो मुझे खा न जाए। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये हेल्दी कंपटीशन ही अपने मुझ जैसे कलाकार को पसंद है, क्योंकि वो मुझे अपने टोज पर रखती है, है ना? और टोज पर रखती है, तो मैं एक, मेरे लिए एक एक सामने एक कैरेट होता है कि मैं और अच्छा परफॉर्म करूं। इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये हेल्दी कंपटीशन कलाकार के लिए बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। शुक्रिया नीतीश जी।
दोस्तों हमारे बीच जयपुर के और आदरणीय नंद भारद्वाज मौजूद हैं। नंद भारद्वाज की गति सभी विधाओं में रही है, कम से कम साहित्य में, सिनेमा में, रंगमंच में, दूरदर्शन में, अखबार में, साहित्यिक पत्रकारिता में, राजनीतिक आंदोलनों में और वैचारिक लेखक संगठनों में भी। तो इसके इन सबके बावजूद नंद जी, आप चक्रव्यूह को और उस प्रसंग को जिसमें कि अभिमन्यु को साजिश करके बड़े बड़े लोग मार देते हैं, और आज हम देख रहे हैं कि इस देश में जितने भी प्रतिभाशाली लोग हैं, और एक जर्मन नाटककार की युक्ति को उसको मैं कोट करूं तो वो कहता है कि आज के समय में, आज का समय मीडियाकरों से इतना भरा हुआ है कि जीनियस को छुप कर रहना चाहिए क्योंकि लोग उसे मार देंगे। उसी तरह अभिमन्यु का वध हुआ था, वो जीनियस था, उसको मार दिया गया था। और इस समय पूरे देश में जो रंगकर्मी हैं, कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं, वो जितने भी जीनियस हैं उनके लिए मुश्किलें हो गई हैं, उनके लिए चक्रव्यूह रच दिए गए हैं, उनके लिए हर तरह से उनको मारने की साजिशें हो रही हैं। इस पर आप अपने कुछ विचार व्यक्त करें नंद जी। मैं अनुमति से आपके केवल एक बात कह दूं, क्योंकि मीडियोक्रिटी की बात आपने कह दी, बहुत ही अभी महीना भर भी नहीं हुआ, जावेद अख्तर साहब और मैं केदारनाथ फिल्म की शूटिंग करने केदारनाथ जा रहा था, तो वाया देहरादून जा रहा था, तो फ्लाइट में हम लोग साथ में थे, तो उन्होंने मेरी पहली फिल्म के विषय में सुना था, तनुजा जी के साथ मैंने मराठी में बनाई थी, तो उन्होंने कहा वो देख तो नहीं पाया लेकिन तनुजा जी तारीफ कर रही थी, तो अभी आप क्या कर रहे हैं, तो मैंने उनको कहा कि मैं हिंदी फिल्म का मेरा जो स्क्रीन प्ले है उसको लॉक कर चुका हूँ और अभी कास्टिंग लेवल पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि सुनाइए क्या है, कथासार क्या है, तो मैंने उनको सुनाया और किस तरह से पीरियड फिल्म है और किस तरह से उसका मैंने रिसर्च किया ये सारा सुनाया, तो मीडियोक्रिटी को लेके ये मैं बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नीतीश भाई आपका काम तो पुख्ता है, बहुत आपने मेहनत की है, दिखाई दे रहा है आप जिस तरह से बोल रहे हैं, लेकिन एक समस्या है, आप इस समस्या को फेस करेंगे बॉलीवुड में। तो मैंने कहा क्या है, तो बोले एक शेर सुनाता हूँ, किसी बड़े बड़े कवि ने लिखा हुआ शेर है, मैं आपको सुनाता हूँ, वही दो लाइनें आपकी अनुमति से सुना रहा हूँ मीडियोक्रिटी के बारे में, कि मैं गहराई में उतरना चाहूँ, मैं तो गहराई में उतरना चाहूँ पर मुझे गहराई सतह पे दे दो। ये मैं भूल नहीं सकता, हम लोग इतना हंसे इस पर, जावेद साहब ने मुझे सुनाया। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडे।